जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल दोनों टीम पिछले मुकाबले में हारने के बाद अपने प्लेइंग 11 में खतरनाक खिलाड़ी के साथ सामना करने उतरने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, आज दोपहर 3:30 बजे स्वामी मानसिंह स्टेडियम में आरसीबी और राजस्थान टीम के बीच में मुकाबला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीम आईपीएल का इस सीजन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन से खेल रही है और काफ़ी मजबूत नजर देखने को आ रही है। तो दोस्तों, दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या होने वाला है और कौन सी बुके सिर को ऐलान कर दिया है, यह सभी पूरी खबर पहले आप ही को ही बताऊंगा और साथ में बताऊंगा पिच की रिपोर्ट क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप विराट कोहली को अच्छी कप्तान मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ में आईपीएल का न्यूज़ पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों, आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में दोनों टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सी टीम जीतने वाला है इस मुकाबला को। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं दोनों टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है बेंगलोर टीम पिछले मुकाबला मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेला था और आरसीबी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान से 199 रन बनाया था और मुंबई टीम ने आसानी से 4 विकेट के नुकसान से 200 रन बनाकर आरसीबी के खिलाफ 6 विकेट से जीत गया था। वही राजस्थान टीम भी पिछले मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला था और राजस्थान टीम ने शानदार प्रदर्शन से शुरुआत किया था और 214 रन बना दिया था 20 ओवर खेलकर। जवाब में उतरे हैदराबाद टीम ने बहुत आसानी से 217 रन बनाकर 4 विकेट से जीत गया था। तो दोस्तों, दोनों टीमें पिछले मुकाबले में हारने के बाद जीत की तलाश में अपने न्यू प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाला है। और दोस्तों, आईपीएल का इस सीजन में राजस्थान टीम ने पहले मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेला था और आरसीबी के खिलाफ 7 रन से हार गया था। तो दोस्तों, पहले मुकाबले में हारने के बदला लेने के लिए राजस्थान टीम की कप्तान संजू सैमसन अपने प्लेइंग 11 में खूंकर भूखे शेर के साथ उतरने वाला है। वहीं विराट कोहली भी दोबारा राजस्थान टीम को कुचलने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़ी बदलाव के साथ उतरने वाला है और राजस्थान टीम के साथ सामना करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते दोनों टीम की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। राजस्थान रॉयल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 एसबी जसवाल, नंबर 2 सिमरन हिडमेयर, नंबर 3 जी रूट, नंबर 4 रविचंद्र अश्विन, नंबर 5 जोस बटलर, नंबर 7 संजू सैमसन एज ए कैप्टन, नंबर 7 डीसी जुरेल, नंबर 8 ट्रेंट बोल्ट, नंबर 9 केम आसिफ, नंबर 10 युवेंद्र चहल, नंबर 11 संदीप शर्मा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 फैफ डुप्लेसी एज ए कैप्टन, नंबर 3 एमके लमरोड, नंबर 4 ग्लिन मैक्सवेल, नंबर 5 हसरंगा, नंबर 6 दिनेश कार्तिक एज ए विकेट कीपर, नंबर 7 अनुज रावत, नंबर 8 हर्षदीप पाटिल, नंबर 9 मोहम्मद सिराज, नंबर 10 जस हेजलवुड, नंबर 11 विजय कुमार बैसाख। तो दोस्तों,